हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वांट की और ये रेलवे का ग्रुप डी का पेपर होगा। जो ये आपका पेपर है 2013 का सेट में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, क्वांट के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो पार्ट वन में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। इसके पार्ट टू होगा, उसमें हम लोग मेंसुरेशन और अदर पार्ट जो पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका कहता है, ये क्वेश्चन सारे हिंदी में दिए हुए हैं। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी सी यहाँ पर इंग्लिश में भी इनका ट्रांसलेशन साथ साथ में देता रहूँ। ओके, पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि 15 संख्याओं का जो औसत है वो है 7। इन संख्याओं में से प्रथम 8 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 6.5 है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 9.5 है। तो पूछा है कि बीच में कौन सी संख्या है। तो मैं देखो, क्वेश्चन में लिखा है 15 संख्याओं का औसत 7 है, तो एक चीज़ आपको अगर पता होगी कि टोटल और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब कहा जाए संख्या, ओके, नंबर, अगर मैं टोटल को जितने भी नंबर हैं उनसे डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है औसत, या फिर कहें एवरेज। ओके, तो यहां से अगर आप टोटल निकालते हो तो टोटल क्या होगा कि जो नंबर होंगे, क्वांटिटी होगी नंबर की, अगर हम मल्टीप्लाई औसत में कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा। इसी टोटल को हम लोग कई जगह पर यूज करेंगे। देखो यहां पर लिखा है 15 संख्याएं, इनका औसत 7 है। ओके, तो टोटल कैसे निकलेगा, आपको मैंने बताया संख्या कितनी है, 15 है, और औसत कितना है, 7 है। तो यहां से टोटल निकाल लो, टोटल कितना आ गया, ये आपका आ गया 15 × 7, ये आपका हो गया 105। ओके, दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि इन संख्याओं में से प्रथम 8 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 6.5 है। मतलब ये कहा जाए कि जो स्टार्टिंग के 8 है, प्रथम 8 है, उनका औसत कितना है, 6.5 है। तो टोटल यहां से निकाल लो, ये कितना आ गया, 8 × 6.5, ये हो गया 8 × 6 = 48, 8 × 5 ये हो गया 4, तो 48 और 4 ये हो गया आपका 52। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, जो अंतिम 8 है उनका औसत कितना है, 9.5 है। तो यहाँ से इनका टोटल योग निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, 8 × 9.5, 8 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे 72 आएगा, 8 की 0.5 से करोगे 4 आएगा, 72 और 4 हो गया 76। अब पूछ रहा है क्वेश्चन बीच में कौन सी संख्या है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको प्रथम पता है और अंतिम पता है, ठीक है, और 15 संख्याओं का औसत भी आपको पता है, बीच में पूछा है, तो प्रथम और अंतिम को ऐड कर दो, 52 और 76 को, तो ये कितना आ गया, 70 और 50 120, और 6 और 2 = 8 128, प्रथम प्लस अंतिम आया 108 128, और इसमें से आप 15 संख्याओं को लेस कर दो 105, तो आपको मिडिल में बीच में संख्याएं पता चल जाएंगी, बीच में कितना है वो है 23, ठीक है, बीच में कौन सी संख्या है वो होगी 23। तो राइट आंसर कितना हो गया, ये वाला, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन दोस्तों आपको नहीं होना चाहिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप का है। ओके, जिसमें कहा गया है कि ए बी सी हैं, तीन लोग हैं जिन्होंने 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये लगा के क्या है, एक बिजनेस में शुरुआत की, एक दुकान की शुरुआत की। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी, इन्होंने 27,000 रुपये लगाए, इन्होंने 81,000 रुपये और इन्होंने 72,000 रुपये, ठीक है। मैंने मान लिया ये लोग इस रेशियो में रुपए लगाते हैं, तो जब रेशियो की बात आ गई तो इसको मिनिमाइज कर लो, कम से कम सॉर्ट कर लो, 3 जीरो से ये जीरो आपके तीनों खत्म हो गए। अब देखो ये 27, 81, 72 किससे कटेगा, ये कटेगा 9 से 3 बार, 9 से ये आपका 9 बार और 9 से ये 8 बार, तो देखा 3, 9 और 8 ये रेशियो निकल कर आ गया। मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी तीन लोग थे जिन्होंने ए ने 3 रेशियो में अमाउंट लगाया, बी ने 9 रेशियो में और सी ने 8 रेशियो में किसी दुकान में इन्वेस्टमेंट करा। अब जो प्रॉफिट आएगा, ये लोग प्रॉफिट भी अपना इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेम इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट भी बटेगा। फिर कहा गया कि एक वर्ष के बाद, एक साल के बाद जो है बी को है उसको उसके हिस्से के रूप में 36,000 रुपये मिले। बी का रेशियो कितना है, 9 रेशियो दिया है, 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 36,000। ओके, अब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 बार 9 से इसको डिवाइड कर दो, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 4,000, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कुल कितना लाभ हुआ था, लाभ पूछा गया है, तो ए बी सी टोटल इन सबके रेशियो को आप ऐड कर लो, 8 और 9 17 और 3 20, टोटल रेशियो कितना है, 20 रेशियो में ही प्रॉफिट हुआ था, लाभ हुआ था। ओके, तो 1 रेशियो की वैल्यू 4,000 है, 20 की कितनी हो जाएगी, 4,000 × 20। ओके,
ये आपका कितना हो गया, 4,000 × 20, ये हो गया आपका 8,000, 80,000। ठीक है, 4,000 × 20 ये आपका हो गया 80,000। तो राइट आंसर कितना हो गया, 80,000 का टोटल प्रॉफिट जो है ये आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन देख लो, कुछ बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी यहाँ पर यूज हुई है, तो इसको ध्यान से समझना। दो घनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है वो 25 है। घनात्मक संख्याओं का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर। ओके, अब कहा जा रहा है कि दो घनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है वो 2500 है। मैंने मान लिया कि एक घनात्मक संख्या एक्स मैंने मान ली। अब कंडीशन देखते हैं, कुछ कंडीशन तो नहीं दी है इसमें, लिखा है यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी अधिक है। ओके, मतलब कोई एक नंबर जो है वो दूसरी संख्या से क्या है, 4 गुनी अधिक है। मैंने मान लिया कि कोई एक संख्या मैंने एक्स मान ली। ओके, तो इसमें क्या है, दूसरी संख्या से है ना, तो आप दूसरी संख्या मान लो एक्स। आपने क्या करा, दूसरी संख्या मान ली, वो है आपकी एक्स। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, वो दूसरी संख्या से 4 गुनी अधिक हो जाएगी। ये एक्स है तो ये कितनी हो जाएगी, 4x हो गई। ओके, 4 गुना, 4 टाइम्स, तभी मल्टीप्लाई यहां पर है। ओके, 4 गुनी अधिक है तो ये एक्स है, तो ये 4x हो गया। आपको अब पहला और दूसरा दोनों नंबर आपको मिल गए यहां पर। ओके, फिर कहा है कि इनका गुणनफल 2500 है, मतलब एक्स इंटू 4x ये किसके बराबर है, 2500। अब आप देखो, 4 से अगर इसको काटते हो तो ये आपके कितने बार जाएंगे, ये आपके जाएंगे 25 बार, क्योंकि 2500 को मैं क्या लिखूंगा, 25 × 100 लिख दूंगा। और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से ये 25 बार जाएगा, तो यहां पर एक्स इंटू एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहां पर हो गया 25 × 25। तो इसका मुझे अंडर रूट लेना है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, सिंगल 25 आपका बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी नहीं करना। तो राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए वाला आपका सही जवाब यहां पर हो जाएगा। ओके, चौथे सवाल को यहां पर देखते हैं ध्यान से। इसमें लिखा है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभक्त करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इंग्लिश में कहा जाए कि 3600 ये एक नंबर है, और यहां पर जो नंबर दिए हैं इसमें से कौन से नंबर से इसको हम विभक्त का मतलब डिवाइड करें तो ये पूर्ण घन, मतलब कहा जाए फुल क्यूब रूट बन जाए। ओके, ये क्यूब बन जाए। ठीक है, क्यूब आपको बनाना है यहां पर। तो 3600 आपका नंबर है। अब धीरे धीरे करो, अब जैसे 45 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो देखो, 9 से ये 5 बार गया, 9 से ये 4 बार गया, ठीक है, 400 हो गया। 5 से इसको काटोगे 80 बार जाएगा। क्या 80 आपका क्यूब बनेगा किसी नंबर का, नहीं बनेगा, तो ये वाला फंडा आपको यूज नहीं करना। फिर से आप ट्राई करो दूसरे ऑप्शन को। तो ऐसे मेरा पहला ऑप्शन गलत हो गया, मैं सोचता हूँ इस 450 से एक बार ट्राई करता हूँ। तो 0 से 0 कट गया। अब 5 से 9 से इसको काटता हूँ, 9 से 5 बार, 9 से 4 बार। ओके, 40 हो गया, 5 से ये 8 बार कटा, नंबर कितना आया, 8 आ गया। अब ये 8 क्या है, ये पूर्ण घन संख्या है क्या, मतलब क्यूब है क्या। देखो, 2 का क्यूब अगर आप करोगे 2 × 2 × 2 तो ये बिल्कुल बनेगा। तो इसका मतलब अगर हम 3600 को 450 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या है, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी, मतलब कि उसका आप क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जवाब देखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन। इसको देखो, इसमें लिखा है कि अगर 3 व्यक्ति 14 दिनों में 336 सालों की बुनाई करते हैं, मतलब 336 साल जो है वो बनाई जाती हैं 14 दिनों में 3 आदमियों के द्वारा, तो 8 व्यक्ति 5 दिनों में कितनी साल की बुनाई कर सकते हैं। अगर आपने हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास करी होगी तो मैंने आपको बताया था M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2, मतलब जितने मैन हैं और डेज, मतलब कहा जाए कि जो व्यक्ति हैं, अब मैं आपको बिल्कुल हिंदी में ही बताऊंगा यहाँ पर, व्यक्ति की अगर आप दिन से मल्टीप्लाई करें और दूसरी तरफ भी अगर आप व्यक्ति की दिन से मल्टीप्लाई करें, ओके, तो ये दोनों अब बराबर होते हैं। जैसे एक वैल्यू यहाँ पर व्यक्ति 1 × दिन 1, व्यक्ति 2 × दिन 2, मतलब कहा जाए M1, और ये M क्या है, यहाँ पर मेल और फीमेल, मतलब जो है कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर वर्ग की बात और कर दी गई है। ठीक है, 336 सालों की बुनाई करते हैं तो इसको वर्ग से डिवाइड कर दो, काम कितना कर रहे हैं, ये काम जो है कार्य, यहां पर भी इनका काम आ जाएगा। इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। 3 व्यक्ति हैं तो व्यक्ति 1 में 3 लिख दिया, दिन कितने हैं, 14 दिन लगते हैं, × 14 कर दिया। कितना काम कितना कर लेते हैं, 336, 336 मैंने यहां पर रख दिया, बराबर।
व्यक्ति टू में 8 व्यक्ति हैं, कितने दिन में? 5 दिन में। और कितना काम पूछा है ना, तो मैंने एक्स मान लिया। अब देखो 3 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 1 1 2 ये आ गया 14, से ये कितने बार कटेगा? 8 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, एक्स इधर आ जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, 8 × 5 = 40 × 8 = 320। ये हो गया आपका 40 × 8 = 320। तो देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, बी वाला। तो ये आपका सही जवाब हो गया। ओके, आ जाते हैं नंबर 6 क्वेश्चन के ऊपर। इसमें लिखा है, ये क्वेश्चन जो है आपका मिश्रण का है, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन जिसमें कहा जाता है। तो इसको हम लोग बिल्कुल आसान शब्दों में सॉल्व करेंगे। इसमें कहा है 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण, कहा जाए कि जो दूध और पानी का मिक्सचर है, तो हमें टोटल मिक्सचर पता चल गया, मतलब मिश्रण कितना है आपके पास। मिश्रण जो है वो है 40 लीटर। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इस 40 में क्या क्या दो चीज़ें हैं, इस 40 में एक तो है पानी और दूसरा क्या है, दूध है। कहा जाए कि 10% पानी है, 10% पानी होगा तो फिर दूध कितना होगा, 90% होगा। मतलब रेशियो कितना बन गया, 1:9 का रेशियो बन गया। अब टोटल पे हम लोग अलग अलग क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि पानी कितना होगा, दूध कितना होगा लीटर में। अब देखो दोनों रेशियो जोड़ लो, 10 रेशियो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 40 लीटर, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो 1 रेशियो की जगह पर 1:4 = 4 लीटर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब 4 लीटर पानी और 36 लीटर रिमेनिंग जो होगा वो क्या है, दूध है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन कहता है कि अगर हम इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाएं, मतलब यहाँ पर पानी आपको ऐड करना है। तो देखो 4:36 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/36 करके भी। क्वेश्चन कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाए, हमने x पानी मिला दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। x मिलाते ही अगर पानी 20 हो जाएगा तो दूध कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तभी तो ये रेशियो आपका मेंटेन होगा 100 में। 0 से 0 कटा, ये आपका 1 बार, ये 4 बार, 1/4 हो गया। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई की, 16 गुणा कर रहे हैं, 4 से 4 में 16 प्लस 4 से 4 में 4x, 36 यहाँ पर आ गया। 4x की वैल्यू निकालोगे, 16 को उधर भेज दो, 36 में 16 कितना बचा, 20। x की वैल्यू निकालोगे, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 5 लीटर। मतलब कहा जाए कि यहाँ पर इस मिश्रण में कितना पानी मिले जाए, 5 मीटर, जिससे कि आपकी ये वाली कंडीशन जो है बन जाएगी। ओके, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो बिल्कुल आसान है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसको बताने की ज़रूरत है, लेकिन एक बार ध्यान से देख लो। इसमें लिखा है 1250 का 0.07%। कन्फ्यूज मत होना, मैं बिल्कुल आसानी से आपको बताता हूँ प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं कहूँ 2%, तो क्या होता है, 2/100 होता है ना, यही करने वाले हम यहाँ पर हैं। इसमें कहा है कि 1250 का, तुम लिखेंगे 1250 इंटू कितना, 0.07%, 0.07। अब प्रतिशत लिखा है तो डिवाइड में 100 तो जाएगा ही। अब अगर हम इस दशमलव को हटाते तो यहाँ पर 2 जीरो मुझे और ऐड करने पड़ेंगे, और इस 0 से ये 0 आपका खत्म हो जाएगा। ओके, इतना ब्रैकेट सॉल्व हो गया, माइनस लगाया, 650 लिखा है, लिख दो 0.02% है, 0.02। अब इसके प्रतिशत को हम डिवाइड बाई 100 कर देंगे और इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 अंकों बाद यहाँ पर भी 0 लगाना होगा, 2 जीरो, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया। अब क्या करो कि इस 1000 से 125 को डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.125, इतना आ गया, इंटू 7। अब आपने देखा कि 65 है, अगर 65 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.065, इतना आ गया, इंटू 2, ये जो बचा हुआ 2 था। अब मल्टीप्लाई कर दो, 7 की अगर हम 125 से करेंगे तो सीधे सीधा हमें आता है 100 × 7 = 700 होता है, 25 × 7 = 175 होता है, कितना हुआ, 875। तो 0.875 ये हो गया। कोशिश करना ओरल मल्टीप्लीकेशन करने की। अब 0.065 है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डबल कर दोगे, कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 130, तो 0.130। अब 875 में से 0.130 को लेस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 0.745। सीधी सीधी कैलकुलेशन थी, कुछ यहाँ पर नया नहीं था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा है किलोमीटर पर घंटा, मतलब
एक तरह से हम देखते हैं कि इसमें जर्नी के बारे में पूछा गया है कि कितनी ये टाइम स्पीड डिस्टेंस जो आपने पढ़ा है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है, तो जो व्यक्ति है वो कितना टाइम लगाता है, 8 घंटे लगाता है। फिर कहा गया कि यदि उसने यात्रा के आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और जो बाकी दूरी है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया है, तो मैंने मान लिया कि उसने पहले दूरी x को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और जो बाकी दूरी है उसको भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस गति से तय किया और उसको समय कितना लगा, 8 घंटे लगा। ओके, टोटल उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी, तो देखो यहाँ पर एक्स लग रहा है, यहाँ एक्स लग रहा है, मतलब टोटल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी ये हो गई एक्स प्लस एक्स, ये हो गई 2x, हमें 2x निकालना है इस क्वेश्चन में। ओके, अब एलसीएम ले लो, ये आपका आ गया 240, 40 से 6 बार ये हो गया 6x, ये 4 बार जाएगा ये हो गया 4x बराबर 8। ओके, अब 6 और 4 कितना हो गया 10x, ठीक है, 10x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 240, 0 से आपका ये 0 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 इंटू 8 ये हो गया 192, 192। अब आपको x की दूरी मिल गई, मतलब उसने आधी दूरी ऐसे की फिर बाकी दूरी ऐसे की, टोटल डिस्टेंस मैंने x प्लस x मान के 2x मान लिया, तो x मेरा 192 आ गया, 2x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 192 इंटू 2, ये आपका हो गया कितना 384। चेक कर लो आंसर, ये भी आपका मैच कर गया तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 9 क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा है कि आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है, सीरीज का क्वेश्चन है, 7 है, इसके बाद में 20 है, 40 है, 98 है और 202 है। पहले आप लोग खुद ट्राई करो क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन मैंने काफ़ी कराए हुए हैं। 7 से 20 कैसे बन रहा है, मैंने बताया आपको 7 इंटू 2 किया 14 हुआ, प्लस 6 जोड़ दिया मुझे 20 मिल गया। 20 से 46 कैसे बन रहा है, 20 इंटू 2 किया 40 हुआ, 6 जोड़ दिया 46 हो गया। 40 से 98 कैसे बन रहा है, 40 में 2 की मल्टीप्लाई किया फिर 6 जोड़ दिया कितना आ गया 98, 92 प्लस 6 98, फिर क्या किया 98 इंटू 2 किया प्लस 6 जोड़ दिया तो ये कितना हुआ 98 इंटू 2, ये हुआ आपका 196 प्लस 6 202। तो अगला नंबर कैसे निकलेगा, 202 में 2 की मल्टीप्लाई करो 6 जोड़ दो, यहाँ पर जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में नीचे रिप्लाई करो। ओके, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 10 को ध्यान से क्वेश्चन देखना। इसमें कहा है कि एक कोई छात्र है, उसको किसी संख्या को 3 से भाग देने के लिए कहा गया, तो मैंने माना कि वो संख्या जो है एक्स है, आप मान लो संख्या जो है वो थी एक्स। अब उसने क्या करा कि भाग देने के बजाय, उसको भाग देना था लेकिन उसने क्या कर दिया 3 से गुणा कर दिया, तो इसमें जब आप 3 से गुणा कर दो कितना हो गया 3x हो गया, फिर परिणाम स्वरूप क्या आया 29.7 मिला, 3x के बराबर में क्या आ जाएगा 29.7। तो x की वैल्यू निकाल दो 3 से, इसको डिवाइड कर दो तो 3 से 9 बार गया 27, फिर 9 बार ये आ गया, तो अब आपको x मिल गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही उत्तर आप बताइए क्या है, करना उसको क्या था, जो x था उसको करना था 3 से भाग देना था, तो अब आपने x निकाल लिया कितना आया 9.9 आया, इसको आप 3 से भाग दोगे कितना आएगा 3.3, तो सही उत्तर आपका क्या आना चाहिए 3.3, तो राइट आंसर क्या हो गया 3.3 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका सही जवाब हुआ। ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन बहुत सारे लोग जल्दी में फटाफट 9.9 लगा देते हैं, तो ऐसा कन्फ्यूजन मत करना क्योंकि हमें केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके बचे हुए क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूँगा एक तो प्रॉफिट लॉस को और कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को, ओके, और कुछ अदर रिमेनिंग क्वेश्चंस को, ठीक है, तो इसका पार्ट टू बहुत जल्द आएगा। आप अपने सुझाव जरूर दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कुछ प्लेलिस्ट उनको देखें और क्वांट की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करें उतना बेस्ट रहेगा। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, हैव अ गुड डे।